हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक पावर बैंक की, जो कि सिस्का कंपनी से है, 10,000 mAh का है और अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूनिक पावर बैंक है। और इसमें मुझे एक फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा आप लोग इसे परचेस करें। सिर्फ इसका प्राइस है 900 रुपये, सिर्फ 900 रुपये में इसे आप खरीद सकते हो। और YouTube पे आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे पावर बैंक के, लेकिन ये मेरा वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो और सबसे अलग वीडियो है, आप इसे परचेस कर सकते हो। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसे डब्बे से बाहर निकालते, इसे अनबॉक्स कर लेते। तो गाइस जैसे मैंने इसे अनबॉक्स किया तो इसके अंदर एक और डब्बा देखने मिल गया और वही पुराना सा बबल प्लास्टिक देखने मिल गया। तो इसे आप इंजॉय कर सकते हो, तो मैं इसे रखता हूँ साइड में। और एक डब्बा देखने मिल जा रहा है, उसमें आपको बिल अटैच किया हुआ है, जो आपका बिल है, बिल है उसमें नाम वगैरह, QR कोड है वगैरह, वो सब आप देख सकते हो। अगर आपको अपना प्रोडक्ट आपको रिप्लेस करना है या कुछ डिफेक्ट दिख गया तो आप इसके मदद से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपका बिल ऐसे आपको एक संभाल के रखना पड़ सकता है, शायद से आप संभाल के रख सकते हो इसे। तो इसको भी साइड में रखते हैं और एक डब्बा आपको देखने मिल जाएगा एक और, तो इसे हम फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फिर से। सो गाइस, सबसे पहले डब्बा खोलने के बाद आपको इसमें दिख जाएगा वारंटी कार्ड, और वारंटी कार्ड इसको गाइड, यूज़र गाइड भी बोल सकते हो, इसे आप यूज़ कैसे करते हो तो देख सकते हो आप, वारंटी कार्ड है, यूज़र आईडी, यूज़र गाइड, तो इसे साइड में रखते हैं। और सबसे मेन आपको हर एक पावर बैंक में मिल जाएगा, उसमें आपको USB केबल मिल जाएगा, तो USB केबल है बेसिक वाला जो आप में लगता है, ये इनपुट बोल सकते हो, इसे इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, तो इसे साइड में रखते हैं। और जो मेन आपका कंडीशन है, यहाँ पे पावर बैंक देख सकते हो सिस्का कंपनी से, सिस्का एसेसरीज, तो इसे हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो है, जो कि मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगा फीचर्स, और मैं इसे रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ आप लोग भी इसे खरीदें, तो सबसे अच्छा फीचर्स मेरे को इसको आप देख सकते हो। पहले मैं इसके रिव्यू दे देता हूँ आपको, क्या क्या देखने मिल जाएंगे इसमें आपको। तो आप देख सकते हो इसके साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाएगा, जिसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और आपको देखने मिल जाएगा एक आउटपुट देखने मिल जाएगा इसमें आपको, और माइक्रो USB इनपुट देखने मिल जाएगा, टाइप सी का इनपुट भी देखने मिल जाएगा, एक USB आउटपुट देखने मिल जाएगा। और इसके वेट की बात करूँ तो 180 ग्राम है इसका वेट, और सामने आपको लोगो देखने मिल जाएगा और पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। बस इसमें इतना ही कुछ देखने मिल जाएगा। ऑफ ऑन बड़का बटन, जैसे मैं ऑफ ऑन के बटन पर गया, तो इसमें सबसे जो मेरे को फीचर्स अच्छा लगा वो है LED डिस्प्ले, बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर, जो देख सकते हो 73% है बैटरी अभी भी। सो गाइस चलिए अभी इसे मैं आपको चार्ज करके बताता हूँ किसी भी डिवाइस को, और इसका रिव्यू मैं 2-3 दिन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, आप मुझसे DM कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं कर सकते हो कमेंट, पूछ सकते हो कि आप 2-3 दिन में आपको लेना है या नहीं लेना है। वैसे आप देख सकते हो, मैं इसे आप चार्जिंग करके दिखाता हूँ। इसके USB को मैं पहले खोल लेता हूँ, और मेरे पास एक फ़ोन है जियो का, उसे मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ, चार्ज होता है कि नहीं अपने तरीके से ये। तो आप देख सकते हो मैं इसको अटैच करता हूँ इसमें, और इस पावर बैंक में अटैच करता हूँ, और किस तरह का पावर बैंक देखने मिल जाता है और चार्ज होता है या नहीं इसका, तो मेरे को रिव्यू देने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2-3 दिन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, तो कर सकते हो आप कमेंट, आपको लेना है तो आप कमेंट कर लेना, और इसका मैं आपको बता दूंगा इसका बैटरी बैकअप कैसा है, आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ सकता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है अभी, और 73% चार्ज है, और USB केबल भी काफ़ी छोटा दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन का दबा देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।